नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। 13 से 15 दिसंबर तक चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ होने जा रहा है, जिसमें धर्म और राजनीति की कई बड़ी हस्तियों के साथ कई कलाकार भी शामिल होंगे। यूपी चुनाव से पहले हो रहे इस महाकुंभ को लेकर विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है, तो बीजेपी का कहना है कि सियासत में धर्म दंड का होना जरूरी है। अब हिंदू जब एक होगा तो सरकार को भी अपनी बात मनवाएगा और जनता से भी अपनी बात मनवाएगा कि राजनीति भी धर्म दंड से चलती है। पहले धर्मगुरु हैं और दूसरे राजनेता, लेकिन दोनों का जवाब एक ही सवाल पर आया है, और वो सवाल है आखिर चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन क्यों। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले 13 से 15 दिसंबर तक चित्रकूट में होने वाले हिंदू एकता महाकुंभ के मकसद पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। विपक्ष इस महाकुंभ को धार्मिक से ज्यादा राजनीतिक बता रहा है। हालांकि इसे आयोजित करने वाले तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज का कहना है कि इस महाकुंभ की योजना काफी पहले ही बना ली गई थी। ये हम बहुत पहले करना चाह रहे थे, पर कोरोना ने बहुत नुकसान कर दिया हमारा। थोड़ी सी राहत मिली तो हमने सोच लिया। 13 से 15 दिसंबर तक चलने वाले इस महाकुंभ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सहित देश के कई दिग्गज नेताओं के अलावा कई अभिनेता और लोक कलाकार भी शामिल होंगे, जिनमें आशुतोष राणा, अरुण गोविल, मनोज मुंतशिर, मनोज तिवारी, मालिनी अवस्थी और कवि कुमार विश्वास शामिल हैं। आयोजकों को इसमें 5 लाख हिंदुओं के पहुँचने की उम्मीद है। जाहिर है धर्म के नाम पर हो रहे इस बड़े आयोजन की मंशा पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। चित्रकूट तो धर्म भूमि है, वहाँ पे धर्म होता है, धर्म सम्मेलन की वहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये कितने ही धर्म कर लें सम्मेलन, करते तो अधर्म है, इसलिए कितने ही इस तरह के सम्मेलन कर लें, मैं समझता हूँ कि जनता इनके बहकावे में इस बार नहीं आने वाली है। इधर कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी के पास पुख्ता जवाब है। उसका कहना है कि धर्म के नाम पर कांग्रेस अपना दोगलापन छोड़े। और मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा तो राजनीति में धर्म दंड को जरूरी बता रहे हैं कि राजनीति भी धर्म दंड से चलती है। धर्म दंड नहीं है तो राजनीति विकृत हो जाएगी, इसलिए इसकी भी जरूरत है। तो इसलिए रामभद्राचार्य जी महाराज से मैंने भी आज आशीर्वाद लिया है, मैं उनसे मिलकर के आया, और वो जो हिंदू महाकुंभ कर रहे हैं, मेरी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता साफ होने के बाद ये सवाल पूछे जाने लगे थे कि देश की सियासत में अब धर्म और उससे जुड़े मुद्दे कौन सी दिशा पकड़ेंगे। जाहिर है चित्रकूट में होने वाले हिंदू महाकुंभ से कहीं ना कहीं इन सवालों का जवाब भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने के लिए खास रणनीति तैयार की है। चंबल ग्वालियर को निशाना बनाकर पार्टी 2023 में सत्ता में वापसी का सपना पूरा करना चाहती है। हालांकि बीजेपी इस पर तंज कस रही है। कांग्रेस की सिंधिया को घेरने की तैयारी, युवा विधायकों को बड़ी जिम्मेदारी, 2023 में सत्ता हासिल करने का रास्ता। एमपी कांग्रेस सिंधिया को चंबल ग्वालियर से निकालने का प्लान बना रही है, जिसकी जिम्मेदारी पूर्व मंत्री और युवा नेता जयवर्धन सिंह के हवाले है। अशोकनगर में ये हाल ही में नजर भी आया है। 2018 में यहां से कांग्रेस को 23 सीटें मिली थी, जब सिंधिया कांग्रेस के साथ थे। अब वही कांग्रेस की राह में रोड़ा है, लिहाजा कमलनाथ दिग्विजय सिंह उन्हें उसी क्षेत्र में बड़ा चैलेंज देने जा रहे हैं। नहीं, जयवर्धन सिंह को मैं कह रहा हूँ ना कि हमारा एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी उनको शिकस्त देने के लिए सशक्त है। जयवर्धन सिंह जी तो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, और निश्चित रूप से नौजवान चेहरा है, तो उनकी जो डिमांड इस समय ग्वालियर चंबल संभाग में वो दौरे कर रहे हैं। जहाँ भी बुलाता है कोई युवा वर्ग, कहीं संगठन के लोग बुलाते हैं। हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने हमारे जितने भी नौजवान चेहरे हैं उनको फ्री हैंड दे रखा है, कोई बहुत बड़े नेता नहीं है। ऐसा नहीं कि बीजेपी इससे वाकिफ नहीं है, यही कारण है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी राघोगढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका दिया, और इसलिए बीजेपी मान रही है कि दिग्विजय और जयवर्धन सिंधिया के सामने टिक नहीं पाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज जी
बड़े लीडर हैं, बड़ी फॉलोइंग है। एक्चुअली बातों से दिग्विजय सिंह जी कुछ नहीं होता है। आपके ज़िले में गुना जिले में राधोगढ़ आता है, उसके बगल से बमोदी विधानसभा आती है। 53,000 मतों से सिंधिया जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में महेंद्र सिसोदिया जीते हैं। आप अशोकनगर में पहले भी रैलियाँ की, जयवर्धन बाबा, जयवर्धन जी अशोकनगर में सिंधिया जी और सीएम के प्रयास से ब्रजेंद्र यादव 1,000 मतों से जीत के आते हैं। तो पॉलिटिक्स में क्या होता, बातों से नहीं होता, लफाजियों से नहीं होता, रिजल्ट ओरिएंटेड जनता जनार्दन की कृपा किस पर है उस पर जो है ना बातचीत करिए ना। ग्वालियर चंबल दोनों दलों के लिए महत्वपूर्ण है। खास बात यह है कि चाहे सिंधिया हो या जयवर्धन सिंह, दोनों के सामने अपनी अपनी पार्टी के भीतर से भी चैलेंज है। 2018 में कांग्रेस को चंबल ग्वालियर से अच्छा खासा प्रतिसाद मिला, साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, लेकिन अब सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के हैं और कांग्रेस इस तैयारी में है। बड़ी बात यह है कि बहुत ही एक अलग तरह से ज्योतिरादित्य वर्सेस जयवर्धन बनाने की तैयारी है, क्योंकि चंबल ग्वालियर ही कांग्रेस को वो नजर आता है जहां से 2023 का रास्ता क्लियर होगा। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसरी, भोपाल। केंद्र की ओर से 3 कृषि कानून वापस लेने के बाद छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मंडी संशोधन कानून को लेकर चर्चा गर्म है। एक साल पहले केंद्र के कृषि कानून को निष्प्रभावी करने छत्तीसगढ़ सरकार ने यह कानून बनाया था, लेकिन इसे अभी तक राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिल पाई है। केंद्र में कृषि कानून बनने के बाद छत्तीसगढ़ में केंद्र और राज्य का भी टकराव शुरू हो गया था। एक साल पहले कृषि कानूनों को निष्प्रभावी बनाने छत्तीसगढ़ सरकार ने मंडी संशोधन विधेयक पास किया था, लेकिन इसे अब तक राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिल पाई है। अब जब केंद्र ने अपना कृषि बिल वापस ले लिया है, ऐसे में छत्तीसगढ़ के मंडी संशोधन कानून पर सियासी बहस फिर गर्म हो गई है। राजभवन से मंजूर होने वाले विधेयकों की सूची में इस बार भी मंडी संशोधन विधेयक शामिल नहीं है। ऐसे में इसकी मंजूरी का इंतजार कर रही सरकार इसकी देरी पर सवाल उठा रही है। केंद्र की सरकार ने जो किसानों के खिलाफ 3 काले कानून पार्लियामेंट में लाए थे और लागू किया गया था, उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ में हम अपने मंडी के एक्ट में संशोधन करके कि वो कानून से हमारे किसान प्रभावित ना हो, हमारी खेती प्रभावित ना हो, इसलिए हमने कानून बनाया था और महामहिम को भेजा था, उसको वापस किया गया है। अब उसमें हम लोग पुनर्विचार करेंगे, क्या उस विधेयक के खंडों पे फिर से कानून बनाने की जरूरत होगी या उन्हीं कानूनों के तहत हम अपने छत्तीसगढ़ में किसानों की मदद कर पाएंगे। कांग्रेस के सवाल उठाने के बाद इधर बीजेपी उल्टे सरकार से सवाल पूछ रही है कि क्या ऐसे किसी कानून की जरूरत है जो काल्पनिक आधारों पर बना हो। लेकिन इनका जो एक्ट था वो एक्ट कुछ था ही नहीं, जो उसमें प्रोविजन किए थे वो प्रोविजन पहले से हैं, तो ये तो खाली लोगों को घुलावे में रखने और बेवकूफ बनाने के लिए इन्होंने एक्ट बनाया था। उस एक्ट में क्या चीज थी जरा बताएं, और उस एक्ट का कोई मतलब भी नहीं था। और राज्यपाल जी का ये अधिकार है कि वो जितने दिनों तक भी चाहें किसी भी एक्ट को रोक सकते हैं, विधि विशेषज्ञों की राय ले सकते हैं, उसको वापस कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है, उन्होंने अपने अधिकार का उपयोग किया है। उसके ऊपर में प्रश्न उठाना मतलब कि संविधान के अंतर्गत दिए गए अधिकारों के ऊपर में प्रश्न उठाना है। छत्तीसगढ़ सरकार का मंडी संशोधन कानून निजी मंडियों पर शिकंजा कसने और उन पर दंड का प्रावधान करने पर केंद्रित है, लेकिन अब जब केंद्र ने कृषि बिल वापस ले लिया है तो निजी मंडियां बनने का सवाल ही खत्म हो गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ के मंडी संशोधन कानून का क्या होगा, क्या राज्यपाल इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजती है या फिर इसे राजभवन में ही पेंडिंग रखा जाएगा। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन सियासत में ये जुमला फिट नहीं बैठता। यहां तो नाम के सहारे चुनाव तक हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये चुनाव भले ही वार्ड और मोहल्लों का है, लेकिन बीजेपी पीएम मोदी के नाम पर वोट मांग रही है। निकाय की जंग में मोदी की एंट्री, मोदी का नाम और वोटों की मांग, मोदी के नाम पर बीजेपी को भरोसा। पोस्टर में मोदी, बैनर में मोदी, बातों में मोदी और
बयानों में मोदी। जी हां, यहां पीएम नरेंद्र मोदी के नाम और काम के सहारे चुनावी बेतरणी पार करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये विधानसभा या लोकसभा का चुनाव नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव की तस्वीर है। यहाँ विकास के ऊपर हिंदुत्व का मुद्दा बनकर उभरा है। उम्मीदवार छोटे और वार्ड स्तर पर चुनाव होने के बावजूद मोदी के चेहरे को आगे रखने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भ्रम फैला रहे हैं। शुरू से हमारी जो संगठन है वो नरेंद्र मोदी चाहे वो और डॉक्टर रमन सिंह जी हो, अजय चंद्रा का जी हो, ब्रिज मगर सब मिल के काम करते हैं। सबका फोटो ऊपर लगा दिए, इसका मतलब ये नहीं कि उनका नाम ले रहे हैं। भाई हमारे वरिष्ठ हैं और आज के प्रधानमंत्री है देश के और विश्व के में भी प्रख्यात है, तो हम भी छोटे लोग भी इनको बहुत चाहते हैं ग्रामीण बिरगांव नगर निगम के। मोदी के नाम का सहारा लेने पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ में कोई नेता नहीं है, इसलिए नरेंद्र मोदी के नाम का सहारा लिया जा रहा है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि मोदी सर्वमान्य है और विश्व स्तरीय नेता है, लिहाजा पार्टी उनका हर जगह उपयोग करती है। स्थानीय लीडरशिप के बारे में परम सम्माननीय पुरंदेश्वरी जी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी छत्तीसगढ़ के पर्यवेक्षक हैं, उन्होंने कह दिया है कि डॉक्टर रमन सिंह जी का चेहरा नहीं हो सकता किसी चुनाव के लिए चेहरा, और भारतीय जनता पार्टी में कोई चेहरा है नहीं। तो हमें लगता है सारे देश में और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव में उपयोग कर रहे हैं, तो यहाँ नगरीय निकाय के छोटे से छोटे वार्ड लेवल के भी चुनाव में प्रधानमंत्री की तस्वीरें लगाई जा रही हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास माननीय मोदी जी की तस्वीर के अलावा और ना तो कोई मुद्दे हैं ना कोई विजन है। पोस्टर की बात, तो पोस्टर में हमारे अपने नेता को गायब कर दे, कल आप ही सवाल कीजिएगा मोदी जी गायब हो गए। हम लोग से सवाल आता है फलना जी, अरे हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारे प्रेरणा पथ प्रदर्शक हैं, उनको कैसे हम हटा दें? कल आप कहिएगा कि आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटा दिया, ये कैसे होगा भाई? जो हमारे पथ प्रदर्शक हैं, जो हमारे नेतृत्व करता है, उनको तो इष्ट रूप से हम लेके ही चलेंगे। बहरहाल लोकसभा चुनाव में मोदी के नाम का एक तरफा असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है और शायद इसी पर बीजेपी को भरोसा है, लेकिन अब चुनावों की तासीर अलग है तो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। देखना होगा कि मोदी का नाम चुनावी वैतरणी में बीजेपी की नैया पार करेगा या नहीं। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। बिलासपुर में तालापारा और तारबाहर के साथ ही डायरिया अब टिकरापारा में भी पहुंच गया है। लगातार फैल रही इस बीमारी से जान गंवाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। टिकरापारा में डायरिया से एक ही दिन में 2 मौतों का मामला सामने आया है। इलाके की पाइपलाइन से घरों में गंदा पानी पहुंच रहा है। मौतों के बाद इलाके में अब दहशत का माहौल है। बिलासपुर में डायरिया का प्रकोप कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार 6वें दिन 6 मौतें हो चुकी है। एक बार फिर यहां बिलासपुर के टिकरापारा स्थित एक 65 वर्षीय अर्जुन देवागन की मौत डायरिया से हो गई है। उल्टी दस्त से उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया था, लेकिन लेट हो गया वहां तक जाते हुए। अस्पताल में ट्रीटमेंट जो मिलना था, उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई है। स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। नालियों की सफाई नहीं हो रही है, गंदगी पसरी हुई है वार्डों में, और जो नालियों से होकर गुजरने वाला जो पाइपलाइन है वही सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि जो गंदा पानी है वो लोगों के घरों तक जा रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे एक नजारा कि घर के अंदर जो पानी आ रहा है, जो लोग यहां का पानी पी रहे हैं, वो किस तरीके का पानी पी रहे हैं। देख सकते हैं कि ये पानी जो है ये नगर निगम के द्वारा यहां पर सप्लाई किया जाता है, लेकिन वार्डों में सफाई नहीं होना, नालियों से होकर गुजरने वाली जो पाइपलाइन है उसका नतीजा है कि जो पानी है वो मटमैला दिखाई दे रहा है, और यही वजह है कि 65 वर्षीय अर्जुन देवांगन की मौत हो जाती है इस पानी को पीने के बाद। हालांकि प्रशासन इस ओर लगातार प्रयास कर रहा है, निगम का लगा हुआ है वार्डों में और स्वास्थ्य विभाग का अमला लगा हुआ है, सर्वे किया जा रहा है कि जहां जहां इस तरीके के मरीज जो हैं उन्हें बाहर निकालकर उनका पहली प्राथमिकता से ट्रीटमेंट किया जाए, उनको उपचार किया जाए, दवाइयां दी जाए, लेकिन वो स्थितियां अभी भी बद से बदतर दिखाई दे रही है, क्योंकि जो स्थितियां निर्मित हो रही हैं 6 दिन में 6 मौत, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है प्रशासन के ऊपर कि आखिर 6 दिन में 6 मौतें हो गई, आपका प्रशासन किधर है, आपके जो लोग हैं, जो सर्वे करने वाली टीम है वो कहां है, आखिर ये मौतें क्यों हो रही है। बहुत सारे सवाल अब निकल कर सामने आने लगे। ऐसे में बिलासपुर के जो 2 वार्ड हैं, तालापारा और तारबहार, उसके बाद अब जब
टिकरा पारा जब ये डायरिया का प्रकोप फैला है तो लाजमी है कि लोग दहशत में हैं और उनकी दहशत होने की वजह से यहाँ के जो लोग हैं अब वो पानी पिए तो किसको पिए इसका भी इंतजाम निगम के द्वारा अभी तक नहीं किया गया। हालांकि घटना को एक घंटे से ज्यादा हो गया है, यहाँ पर क्रियाक्रम का इसका कार्यक्रम भी कर दिया गया लेकिन अब तक के निगम अमला यहाँ पर नहीं पहुंचा है, स्वास्थ्य विभाग का जो टीम है वो नहीं पहुंची है। तो कहीं कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि ये लगातार मौतें हो रही है और डायरिया को निपटने के लिए जो बेहतर और ठोस प्रयास किए जाना चाहिए वो प्रयास धरातल पर नहीं दिख रहे हैं। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर खबर। लेकिन अब ये साफ है कि अभी हमें बूस्टर डोज नहीं लगेगा। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के तहत आने वाली सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने यह कहा है कि कोरोना के बूस्टर डोज को बिना क्लिनिकल ट्रायल के अप्रूवल नहीं दिया जा सकता। एसईसी ने शुक्रवार को सीरम इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन का रिव्यू करते हुए ये बात कही है। पैनल ने सीरम इंस्टीट्यूट से अतिरिक्त डेटा भी मांगा है जिसके बाद पैनल दूसरी बैठक करेगा। कोरोना काल में अब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हर जगह जरूरी हो गया है, लेकिन अगर आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी नहीं संभाल सकते हैं तो फिर ये खबर आपके लिए है। जी हाँ, इंदौर में यूवी तकनीक के जरिए मोबाइल के कवर पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्रिंट हो रहा है। ये बात सुनने में ज़रूर हैरान करती है लेकिन ये हकीकत है। देखिए इंदौर से ये खास रिपोर्ट। एयरपोर्ट हो या फिर बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन हो या फिर पब्लिक प्लेस, धार्मिक स्थलों के साथ साथ शॉपिंग मॉल में भी अब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाए बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ऐसे में आपको वैक्सीन के लिए दोनों डोज लगे हुए सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी हो गया है, लेकिन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी को संभालना कई लोगों के लिए मुश्किल भी होता है और इसी मुश्किल को दूर करने के लिए इंदौर में युवाओं ने एक तकनीक का सहारा लिया है। हम इसमें मोबाइल कवर कस्टमाइजेशन काम करते हैं, तो इसमें हम अब कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट भी प्रिंट कर रहे हैं और जिसकी डिमांड कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, आप देख रहे हैं। इसको यूवी प्रिंटर बोलते हैं। इसमें जो इंक डलती है वो यूवी रेस के द्वारा सूखती है और इतनी अच्छी होती है कि वो काफ़ी ड्यूरेबल होती है, उसमें कुछ मिटता नहीं कभी, वो हमेशा ड्यूरेबल रहेगी। तो हमने देखा कि जो हमारा व्यापार है, जो बिजनेस है, क्या उसके थ्रू कुछ लोगों को सोल्यूशन दे सकते हैं हम? जो जहाँ कुछ मिनट बिगड़ रहे हैं वहाँ पर कुछ सेकेंड में काम हो सकता है क्या? तो यही देखते हुए हमने सोचा कि हम मोबाइल कवर्स प्रिंट करते हैं, मोबाइल कवर्स बनाते हैं, तो उसमें कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं हम, फोटो हो या कोई डिज़ाइन हो या कोई भी इमेज हो, किसी भी तरह की हम प्रिंट कर सकते हैं। तो क्यों ना कोविड का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वही प्रिंट कर दिया जाए, ये आइडिया आया। फर्स्ट टाइम हमने वैक्सीनेशन का एक सर्टिफिकेट वाला मोबाइल कवर बनाया, वो जैसे जैसे लोग देखते गए, जिसने देखा उसने डिमांड करी कि ये तो मुझे भी चाहिए, क्योंकि ये आप कहीं भी जाएंगे मोबाइल आपके साथ होगा, मोबाइल साथ में, मतलब मोबाइल कवर साथ में। इधर मोबाइल कवर पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्रिंट करवाने के लिए पब्लिक भी काफी उत्साहित नजर आ रही है, जिसके कई फायदे लोग गिना रहे हैं। ये सर मुझे अपना, मेरे दोस्त ने बनवाया था सर्टिफिकेट अपना ये कवर, तो मुझे भी थोड़ा लगा कि नहीं यार मुझे ही बनवाना चाहिए, क्योंकि मेरा ये अपना, मेरे पास पर्स रहता है तो कभी भूल भी आता और कभी भूलता भी नहीं हूँ मैं, तो मैंने बोला कि एक बार बनवा ही लो अपन, काम पड़ेगा अपने को आगे भी, तो मैंने ये बनवाया। और उसके बाद में अपने को जरूरत सब जगह पड़ती है, अभी क्या है कि कोरोना चल रहा है तो पेशेंट भी मतलब ज़्यादा आ रहे हैं, तो लॉकडाउन लगने का भी कोई मतलब वो है। अब मेरे को कभी बाहर जाना हो और मेरे जेब में एक पर्स नहीं है तो मेरे को इसका काम पड़ेगा, तो कंपलसरी आई बस स्टॉप में भी मतलब कंपलसरी इसमें सब में, तो इसलिए मैंने बनवा लिया। जमाना तकनीक का है और इस बदलते दौर में तकनीक का सही इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, इसका उदाहरण भी इंदौर के इन युवाओं ने पेश किया है। पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, इंदौर। इस रिपोर्ट के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।